हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और इसमें अपनी सब्जियां फ्राई करते हैं। कुछ मैंने डाले हैं, सबसे पहले इसमें आलू। मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू ले रखे हैं, थोड़े मोटे मोटे काट रखे हैं। इनको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए इनको जब तक हमें फ्राई करना है। हम अपनी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी फ्राई करेंगे। मेरे देखिए फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं इसके अंदर हम थोड़ी सी गोभी। इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिया है, ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करे हैं। इनको भी थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये भी देखिए मेरे फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। मैंने यहाँ पे 2-3 गाजर का इस्तेमाल किया है, ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। इनको भी निकाल लेते हैं। हम इसमें डालेंगे एक, मैंने लिया है शलगम यानी कि टर्निप। ये चॉइस होती है आपकी, आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, जितनी मर्ज़ी आप वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। अब मैंने लिया है थोड़ा सा बैंगन, एक छोटा लिया है बैंगन। इसको भी मैंने साथ में फ्राई कर लिया है। तो ये मेरी फ्राइड सब्ज़ी ज़्यादातर तैयार हो गई। लास्ट में मैंने डाला है इसमें पनीर। पनीर को बहुत हल्का हल्का सा हमें हिलाना होता है, ज़्यादा हम कस के अगर हम हिलाएंगे तो टूट जाएगा। तो बहुत हल्का सा करेंगे और बहुत जल्दी ही ये ऐसे ही हल्का सा हो जाता है पिंक। ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है इनको। ये देखिए ये भी तैयार हो गया हमारा। हमारी सारी सब्जी तलने वाली हमने तैयार कर ली। हम दूसरा पैन लेते हैं, इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो रहा है हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा होता है मैंने अदरक लिए थोड़ी लंबी लंबी चॉप करके और हरी मिर्ची, मैंने ये दोनों भी इसमें डाल दी हैं। और इनको भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमें चलाना है, हल्का सा चलाना है। हम अपनी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं सब्ज़ी के लिए। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब टमाटर है मेरे करीब 4, ये मैंने इनकी प्यूरी कर रखी थी। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची और 2 चम्मच मैं डालूँगी धनिया। आप देख सकते हैं सब्ज़ी में धनिया आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, चल जाता है इसमें। बस और कोई मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी इसमें, सब्जियाँ ज़्यादा होंगी मेरी। अब हम इसकी ग्रेवी को पकने देते हैं जब तक कि ऑयल अलग ना छोड़ दे, बिल्कुल टमाटर पक जाए और मसाला बिल्कुल इसमें सेट हो जाए। जैसे ही मेरी ग्रेवी तैयार होती है सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स डालूंगी, क्योंकि वो मैंने फ्राई नहीं किया ना। अब मैंने डाली पहले बीन्स और थोड़ी सी मटर। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब हम इसे क्योंकि गलने के लिए रखना है ताकि सब्ज़ी अच्छे से गल जाएं, तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढक करके पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाती हैं। देखिए सब्ज़ियाँ जो है काफ़ी हद तक गल गई हैं मेरी। इनको खोल के देख लेते हैं, अगर आपकी कम गली हो तो दोबारा से पका सकते हैं। 4-5 मिनट इसमें लगेंगे हल्का सा। अब ये हमारी पक करके तैयार हो चुकी हैं। मिक्स वेजिटेबल में आप अपने स्वाद अनुसार सब्ज़ी तो कोई सी भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च। ये क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए मैंने पहले नहीं डाली थी, इसलिए धीरे से अब डाली है। ये बहुत हल्की सी स्टीम से ही गल जाती है। अब मैं अपनी सारी फ्राई की हुई जो सब्ज़ियाँ हैं वो सब इसमें डाल देती हूँ। फ्राई की हुई है इसलिए ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा, मगर फिर भी इनमें मसाला हमें थोड़ा सा मिक्स करना होगा। अब मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है और मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें सिरका। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से हमें मिक्स करके इसको मैं ढककर पकाऊंगी कम से कम 2-3 मिनट तक, जिससे कि सारा मसाला जो है सब्जियां अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपना पनीर और 1 चम्मच गरम मसाला। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया काट के तैयार कर रखा है, वो इसमें डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमारी मिक्स वेजिटेबल बनके बिल्कुल तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे थोड़ा सा पनीर और हरे धनिये के साथ में। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल बनाएँ, खाएँ और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।